अब एक मसला मालूम किया इन्होंने कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसके कान में अज़ान और तकबीर पढ़ी जाती है, तो क्या वो अज़ान और तकबीर उसको गुस्ल दिए बगैर, यानी बच्चों को गुस्ल दिए बगैर पढ़ी जा सकती है या नहीं? देखिए, बेहतर और अफजल तरीक़ा यह है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके कान में अज़ान पढ़ने से पहले, तकबीर कहने से पहले नहलाया जाए, उसको गुस्ल दिया जाए, ये अफजल तरीक़ा है। लेकिन अगर कोई लाइल्मी की वजह से और पता ना होने की वजह से और उसको इल्म ना होने की वजह से ऐसा कर लेता है तो सुन्नत अदा हो जाएगी और उस अमल को, यानी तकबीर और अज़ान के अमल को लौटाया नहीं जाएगा, वो अमल माना जाएगा, उस अमल को दोहराया नहीं जाएगा। बस इसमें ये बात याद रखें कि अफजल बेहतर तरीक़ा यह है कि बच्चे को गुस्ल दिया जाए, उसके बाद अज़ान और तकबीर कही जाए, क्योंकि अज़ान और तकबीर ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है, तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए बेहतर यह है कि बच्चे को गुस्ल दे दिया जाए, उसको पाक कर लिया जाए। लेकिन अगर हो जाए तो उसको लौटाना नहीं है, उसको दोहराना नहीं है।